रूपा जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि मंडियों में तो ठीक ठाक दाम मिलते नजर आ रहे हैं अब किसानों को, जिससे किसान खुश भी हैं, आवकें भी बढ़ी हैं, लेकिन आवक बढ़ने के बावजूद भी जो दाम है अच्छे खासे मिलते नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। और यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी देख रहे हैं $1660 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। उधर क्रूड की भी जो प्राइजेस है लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स भी इंपैक्ट होता हुआ देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, 7900 सोयाबीन पहले ही देखने को मिल चुकी है, तो क्या यहाँ से सोयाबीन अब 8500 भी जा सकती है? देखिए फंडामेंटल तो सपोर्टिव है और जिस तरीके से रैली आई है हो सकता है कि 8500 का भी स्तर देखने को मिले, बड़ी बात नहीं होगी। और अभी बाजार जो है वो तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से फंडामेंटल के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो फसलें खराब है और अराइवल आने का भी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो बाजार ये मान के चलिए कि काफी पॉजिटिव है, यहाँ से एक्सपेक्टिव है कि 8500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी,